अस्सलाम वालेकुम सुनो सजनो, आरएफ मलगानी दा माफ ते मेरा सलाम कबूल थी ए असा यक भाई एक सियात अफजा मकाम है और वो वडी हाइट दे उते है और ठड्डा इलाका है 4 मीटर को लवे ज्यादा ठड्डा इलाका है 4 मीटर को लवे ज्यादा ऊंचा इलाका है बहुत बड़ी हाइट दे उते है ए असा यक भाई तो वापस आंदे पे हैं और ए वापसी दा जेड़ा ए खूबसूरत नजारे हैं ये तो सारे दे पे उस रोड दे उते और मेरी राइट साइड दे जड़ी साइड ड्राइविंग साइड दे उते बड़े बड़े दरख्त हैं ए जैतून दे दरख्त नहीं था बहुत बड़ी तादाद दे विच जंगली जैतून नहीं था और ये इलाका बड़ा ग्रीन लश ग्रीन इलाका है और तमाम दोस्तों को गुजारिश है तमाम सजड़े को गुजारिश है कि तुसा मर्री ज़ियारत फोर्ड मेंड्रो इन्हें इलाके दे विच वेंदे हो लेकिन तुहानू यक भाई जरूर आना आना चाहिए ये जितना तो नजर आता पे सारा जैतून का दरख्त है जंगली जैतून बड़े बड़ा और लश ग्रीन एरिया है इतना अक्सर बेशतर इतना बारिश थी रही है लेकिन पसमानदा इलाका है कोई रोड के उत्ते इतना पेट्रोल पंप कोई नहीं कोई रोड के उत्ते इतना हवा शवा का निज़ाम पेंचर शेंचर का निज़ाम कोई दुकान वगैरह इतना तुस आओ तो इतना बिल्कुल फुल तैयारी के नाल आना चाहिए तुहाड़ी गाड़ी दे विच 33 लीटर दा पानी या कैन होने चाहिए बंदे दे मुनासबत दे नाल तुहाड़े कोल खावण पकावण दा मुकम्मल कंप्लीट निज़ाम होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कैंपिंग करी जाए असा भी इतना कैंपिंग की है असा 7 कैंप अपने चा के आए और असा 7 बंदे आसे मतलब औसत फी ये देखो ये दरख्त देखो बड़ा जबरदस्त किस्म का जंगली जैतून है और बहुत बड़ी तादाद दे विच इत्थे मौजूद है जंगली जैतून। अच्छा मैं दसदा पिया कि इत्थे मुकम्मल कंप्लीट तैयारी दे नाल तुहानू आना चाहिए और पुरसकून एरिया है कहीं किस्म की कोई टेंशन की जरूरत कोई नहीं तुहानू इत्थां इंतहाई पुरखलूस लोग हैं इत्थां जिहड़े ई एरिए दे लोग हैं इंतहाई बाखलाक लोग हैं और तुहाडे कोल उन्हें कोई जबान ज़्यादातर इत्थों दे जिहड़े लोग हैं उन्होंने को सरैकी उर्दू जबान भी नहीं आती बलोचकी निरी बलोचकी जबान उन्हें को आती है मालदारी करें दन मतलब दुंबे दे अजाड़े बकरियां ते इस किस्म दे गवें थी गया इस किस्म दे मालदारी दा रंग है और इत्थे सिर्फ और सिर्फ ई इलाके को तवज्जो दी जरूरत है ये बहुत बड़ा सियाहती मकाम है इतों का लोगों का जो रोज़गार है वो या तो मालदारी है दूजे नंबर के उत्ते जरा पीश का वाण एक आते ये पूरे पहाड़ के उत्ते पीश का पौधा बहुत ज़्यादा है जिंदा सख्त तरीन वाण होते मंजे का खटड़े का असं बने हमाचे बने उनके नाल मैं दसदा पाया कि इतना फुल मुकम्मल तैयारी के बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इतना कोई टेंशन की जरूरत कोई जिते तुरी तबीयत करे जिते तुरी दिल करे अच्छे चो अच्छा पॉइंट तो मिलते अच्छे चो अच्छा पॉइंट मिलते थोड़ा दिल आते इतने ब्रेक ला नहीं भी जे इतने कैंपिंग करके नहीं जे वल दिल आते नहीं थोड़ा जहाँ अगू तो चलिया वही जे अगू वल वे वल दिल आते इतने कैंपिंग करके नहीं जे वल दिल आते अगू तो लगा वही जे तो इतना जोड़े साढ़े कारोबारी लोग हैं या जो इन्वेस्टर हजरात हैं उन्हें को गुजारिश है कि इतना आके इन्वेस्टमेंट करन इतना बकायदा कोई कॉलोनी वगैरह बनाई वजे गेस्ट हाउस होने चाहिए रेस्ट हाउस होने चाहिए सोलर टेक्नोलॉजी का जमाना है लाइट का तुहाड़े वास्ते मसला कोई नहीं पानी बोर जदीद दौर है पहाड़ों के बोर किए बन सकते पानी अगर बोर कर दिता वजे इतना पानी मुहैया कर दिता वजे मतलब तो उनके कि इतों को खूबसूरत रोड भी बड़ा अच्छा है कारपेट रोड है बेहतरीन रोड है तुसा देते पे उसे लेकिन फोर्ड मिंडरू को गागन थल फोर्ड मिंडरू को गागन थल ये असा ई टाइम जितना वे ये फोर्ड मिंडरू को 24 किलोमीटर फिक्स तुसा घड़ी दे गाड़ी दे मीटर को चेक करे सो मोटरसाइकिल दे मीटर को 24 किलोमीटर के उत्ते असा वे इतने बहुत खूबसूरत एरिया है और बिल्कुल साढ़े सजे पासे दे उत्ते क्योंकि असा वापसी आते पे हैं यक भाई तो साढ़े सजे सजे पास राइट साइड के उत्ते रड़खन रखनी लोरलाई रोड ये पूरा निज़ाम तले सगू नजर आता पे बड़ा जबरदस्त व्यू है बहुत क्लासिकल व्यू है
और जो रोड गोहियां हैं जो नाले हैं इतों को इवें लगते कि भी इतों का बने हुआ और देखो लश लश ग्रीन लश ग्रीन मतलब इतना छां भी तो मिलती है और व्यू भी तो इतना मिलते तुस इतना अपने फैमिलीज नाल भी आ सकते हो पुरसकून एरिया है बिल्कुल नहीं तुस इं साइड पर आओ तो तुम घबरावन शुरू कर दो कि भाई अस कि आ गए आबादी कोई नहीं बंदे कोई नहीं इतना घर नहीं नजर आते नहीं तो आपको घबरावन की कोई जरूरत कौन नहीं पहाड़ के चोटे के उ लोगों के घर भी मौजूद हैं पे और लोग इतना गुजरे दे भी पैन लेकिन अपने अपने जो उन्होंने रकबे उतना उन्होंने घर बने हुए हैं उतना उन्होंने माल के वाड़े बने हुए हैं तो आपको रस्ते कितने ना कितने इवें मुसाफिर खाने जो इतों के रिवायती मुसाफिर खाने देसी मुसाफिर खाने मतलब जेडे इतना गोपा बनाया वे गोपा पत्थर का होंगे उत्ते वाला छतरी का वे क्योंकि इतना ये सावन छोटे मोटे झाड़िया दरख्त ये इतना सारे मौजूद हैं पे तो गुजारिश है कि भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और हासेकार जो सियाहत का शोबा है सियाहत की मिनिस्ट्री है कल हूम मिनिस्ट्री को चाहिए कि वो इतना तवज्जो देवे इंपॉइंट के उ बल्कि मिनिस्टर साहब इतना आवन आके इलाके का विजिट करें जिड़ी सब तो जी लोग कतरा नहीं आवन चाहते वो उन्हें को फोर्ड मिंट्रो को गागन थल तक एक कुछ किलोमीटर है लेकिन क्योंकि पहाड़ी इलाका है उतना रोड ठीक कोई नहीं अगर वो टुकड़ा ही बढ़ वजे और वल फोर्ड मिंट्रो को जड़ा लिंक निकलता पी लिंक के बकायदा यक पाई टॉप का यक बाई टॉप का बोर्ड लाया वे गवर्नमेंट की तरफों लाया वे ताकि लोगों का रुझान ही पासे वे ये फोर्ड मिंट्रो को बहुत खूबसूरत है ये बहुत खूबसूरत है बस मैं आता पाया कि जितनी तारीफ की वजे वो घट है देखो ये तो रोड के नाल तुम पहाड़ के थले देखो ना क्या बात है ये सारिया आबादियां नजर आई पो ये पानी के रूट तक नजर आते पैन रोदकोही रूट तक नजर आते पैन इतों को सड़क इतों को नजर आ ये जी सफेदी तो नज़र आती है ना सफेद सफेद बच्चे रूट नज़र आते हैं ये पानी का रूट है रोदकोही का रूट है और नाल तो बाजा नज़र आई पैन अबाजा नज़र आई पैन इतना सब्जियां नज़र आई पैन क्या बात है तले और ये बहुत ही ठंडा इलाका है सजनों मैं उम्मीद करे स कि तो यक बाई का ये सारा जो सफर है ये जी खूबसूरत मालूमात है ये तो बहुत चंगी लगती पी वैसे ये गल भी दसेंदा जुदा इतना तुसां मतलब जिस वेले रवाना थी वो तुसां अपनी गाड़ी का पेट्रोल वो टैंकी तो आप फुल करा के ये अहम तरीन नुकता है टैंकी फुल करा के तुसां चलो तुहाडी स्टपनी जिहड़ी है ना वो कुछ चैक करके ने स्टपनी को हवा शवा चैक करके टुरने उहदे इलावा अल्टरनेटली मुतबादल तौर के उत्ते तुहाडे कोलो पंप भी होना चाहिए छोटा जिहा जिहड़ा तुहाडी सफरी जरूरत को पूरा करे पेंचर का समान भी होना चाहिए जोड़ा तुसा औखे सौखे थी के मतलब अपनी जरूरत को तुसा इतना पूरा कर सको उनके अलावा अगर तुस गर्मी के बीच आते हो तो गर्मियों कैंप के रह सकते हो अगर तुस सर्दियों के आते हो तो उतना भी कैंप और अस भी रात हूँ अज तारीख है माई की क्या क्या तारीख है माई की तारीख माई 14 माई है अज 15 माई है मेरे ख्याल से और 14 माई है असा 14 माई है लेकिन रात असा सारे कुछ दोस्त उन्हें को ढेर सर्दी लगी है कंबल वगैरह वो छोड़ के ते कैंप छोड़ के ना तो गाड़ी दे अंदर चले गए ते इतना तुसा अपने गर्म कपड़े तुहाडे कोल होने चाहिए जितना गर्म मौसम होवे या जितना सर्द मौसम होवे गर्म कपड़े का होने तुहाडे वास्ते बहुत जरूरी है इंतहा दा जरूरी है तुहाडे कोल होने चाहिए और कंबल वगैरह भी होने चाहिए उनके नाल नाल जिहड़ी खुराक है तुसा इत्थे दिला ते बंदा गोश्त खावे बकरा होना चाहिए असा दो बकरे इत्थे खादर बनाए से सज्जी बनाई है असा दम पुख बनाए से असा इत्थां और यखनी बनाई से इत्थां असा बकरे का पुलाव बनाए इत्थां क्या बात है और मज़ेदार और जितना तुसा इत्थे खासो वो तुहाडा एक तो हाजम है दूजा मतलब है कि थोड़ी देर बाद वल तक भुख लग पी ये शायद कोई मौसम दी मौसम का रंग हो सी तुस खाते हो वला थोड़ी देर बाद तक भुख लग पी वल तुस दिला दे वला खवीजे एक ना कैसे खूबसूरत व्यू है रस्ते का आहा हा क्या बात है क्या बात है